सीखेंगे हॉस्पिटल की वायरिंग कैसे की जाती है रूम की। जो रूम होता है उसके अंदर हमारा जो बेड होता है एंड बेड के जस्ट बगल में एक स्विच लगी हुई होती है एंड डोर के पास एक स्विच लगी हुई होती है जो पेशेंट लाइट को ऑन कर सकता है एंड डोर से भी ऑन कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं दो लाइटों को। यानी एक स्विच से आपकी दो लाइट ऑन हो जाएगी, या आप एक लाइट को एक स्विच से ही ऑन कर सकते हैं, या आप दो लाइट को ऑन ऑन कर सकते हैं। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो गैस हम इसका कनेक्शन आज सीखेंगे कैसे किया जाता है कनेक्शन। तो गैस ये हमारी हो गई MCB, ये हमारी हो गई MCB, ओके गैस, एंड ये हमारी होगी स्विच, हमारी ये टू वे स्विच, एंड ये हमारी हो गई स्विच वन वे स्विच, एंड ये हमारी लाइट हो गई, एंड ये लाइट टू, लाइट वन, लाइट टू, ओके गाइस। तो हम इसका कनेक्शन जान लेते हैं कि कनेक्शन कैसे करेंगे। जो हम एक स्विच से एक लाइट को ऑन कर सकते हैं एंड एक स्विच से ही ये दो लाइट पानी को भी भी नहीं ऑन है। कर सकते हैं, ओके गाइस। तो हाँ चलो ये चलते पानी हैं। को हम कर दिया। तो गाइस हम पहले फेस का कनेक्शन करेंगे, ओके गाइस। तो हम फेस का कनेक्शन पहले कर लेते हैं। एंड इस फेस को पहले हम लेके जाएंगे स्विच वन वे में एंड स्विच टू वे में, लाइन टू, टू वे स्विच का लाइन टू जो होता है हम उसके अंदर लेके जाएंगे, ओके गाइस। सो कनेक्शन हो गया है। अब देख सकते हैं यहाँ पर एक स्विच वन वे में एक वायर चला गया है एंड टू वे स्विच में भी एक वायर चला गया है, क्योंकि हम जो फेस हमारा मैन आया है ये हम दोनों शार्ट कर दिया है, हमने शार्ट कर दिया है, ओके गाइस। अब हम कर लेते हैं न्यूट्रल का कनेक्शन। नो नो जो स्विच का जो आउटपुट निकलेगा वो हम पहले कर लेते हैं लाइट के साथ। तो गाइज हम जो स्विच का हमारा वन वे स्विच का जो आउटपुट निकलेगा वो हम लाइट वन, लाइट टू में आपस में शॉर्ट कर देंगे, जंप कर देंगे, यानी लाइट वन, लाइट टू को आपस में शॉर्ट कर देंगे स्विच वन वे से, आउटपुट से, ओके गाइज। फिर हम क्या करेंगे, जो टू वे स्विच का कॉमन जो आउटपुट लाइन निकलती है टू वे स्विच की, जिसको बोलते हैं हम कॉमन, उसको हम लाइट टू में ज्वाइंट कर देंगे कुछ इस प्रकार। लाइट टू में ज्वाइंट करने के बाद हमारा बचता है न्यूट्रल। तो हम न्यूट्रल कैसे ज्वाइन करेंगे गाइस, न्यूट्रल हम लेके आएंगे एक मैन न्यूट्रल एंड उसको टू वे स्विच के लाइन वन में डाल देंगे इस प्रकार, टू वे स्विच का लाइन वन में डाल देंगे। एंड टू वे स्विच के लाइन मेन में डाल दिया एंड जो लाइट वन है हम उसके अंदर भी शॉर्ट कर देंगे एंड लाइट जो टू वे स्विच की लाइन वन है हम उसके अंदर भी डाल देंगे। तो हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस हम इसको अब समझ लेंगे कि अब इसको कैसे यूज करेंगे, यूज हो। तो गाइस ये ऐसे यूज होगा, जैसे हम ये जो टू वे स्विच को ऑन करेंगे तो आप दोनों तरफ से ऑन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर ये स्विच हमारी ऑन रहेगी तो हमारी, अगर ये स्विच हमारा न्यूट्रल मिल रहा है ऊपर की तरफ, ये स्विच हमारी ऑन है तो अगर न्यूट्रल हमें ऊपर की तरफ मिल रहा है, क्योंकि कॉमन तो यहाँ पर इस लाइट में ज्वाइंट है एंड ये न्यूट्रल हमारा मिल रहा है यहाँ पर डायरेक्ट, अगर ये हमारी स्विच ऑन होती है तो ये हमारी लाइट नहीं ऑन होगी एंड ये हमारी लाइट ऑन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रल डायरेक्ट है एंड कॉमन जो टू वे स्विच का कॉमन है वो डायरेक्टली लाइट टू में गया है, ओके गाइस। फिर अगर हम इस स्विच को डाउन कर देते हैं तो डाउन करने के बाद आपकी जो लाइट है ये लाइट एंड ये लाइट आपस दोनों एक साथ में जलने लगेंगी, क्योंकि ये स्विच तो ऑलरेडी ऑन है, ऑन है क्योंकि यहाँ से आपका फेस जंप पहुँच रहा है, तो ये स्विच हम ऑन है तो अगर हम इस स्विच से को ऑन करेंगे तो हमारी दोनों लाइट चालू हो जाएगी, अगर इसको हम ऑफ करते हैं तो हमारी दोनों लाइट ऑफ करते हैं तो एक लाइट
बंद हो जाएगी, एक लाइट चालू रहेगी। अगर आप दोनों लाइट बंद करना चाहते हैं तो डायरेक्टली वन वे स्विच को बंद करेंगे तो आपकी दोनों लाइट बंद हो जाएगी। तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। गाइज वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।